नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टिक्की जी स्कूल में स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के लॉन्ग क्वेश्चन यानी विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षवाद की जो है संकल्पना स्पष्ट कीजिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए, ऐसे पूछेगा। अथवा कर देगा बच्चों, जैसे अथवा करके, अथवा मतलब चाहे इसको करिए चाहे इसको। अथवा धर्मनिरपेक्षवाद क्या है, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तर्क दीजिए, ऐसे करके आएगा। अथवा धर्मनिरपेक्षवाद की किन्हीं चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए, किन्हीं चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा निरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं उत्तर इसका जो है क्या होगा। पहले हम लोग समझे कि धर्मनिरपेक्षवाद क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष, जिसे जो लाग नाम से लग रहा है, धर्मनिरपेक्ष यानी जो है हमारा भारत का संविधान क्या करता है, सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है, सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। यही जो है हमारा तो क्या है, धर्मनिरपेक्षवाद है। तो आइए उत्तर देखते हैं हम लोग। प्रत्येक सभ्यता के प्रारंभिक काल में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज भी धार्मिक सिद्धांतों तथा परंपराओं का अनेक समाजों में महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, महत्वपूर्ण स्थान है। इन धार्मिक सिद्धांतों को जीवन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सदैव ही महत्व दिया जाता है। राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में धर्म के महत्व को सदैव ही स्वीकार किया जाता रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि धर्म के नाम पर अनेक युद्ध बच्चों लड़े गए, अनेक युद्ध लड़े गए। धर्म और राजनीति को एक साथ मिलाकर प्रशासन की कार्य करने की नीति सदैव ही प्रत्येक देश में पाई गई है, प्रत्येक देश में पाई गई है। राजधर्म को समाज में सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर सर्वोपरि स्थान मिलता है। इस प्रकार इतिहास के आरंभ से ही प्रत्येक देश में धर्म से प्रभावित राज्यों का होना पाया जाता है। किंतु धर्म और राजनीति को मिलाकर राज्य करने की के भयंकर परिणाम निकले हैं। धर्म या ईश्वर के नाम पर इतना रक्तपात हुआ है जितना अन्य किसी भी नाम या बात पर नहीं हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे धर्मनिरपेक्षवाद का जो है अर्थ एवं परिभाषा। यही धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ क्या होता है, इसकी जो है परिभाषा देखेंगे बच्चों हम लोग। तो धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ होता है लौकिक विचारधारा के महत्व में वृद्धि होना है। यही धर्मनिरपेक्षवाद का जो अर्थ होता है, लौकिक विचारधारा के महत्व में वृद्धि होना है। धर्मनिरपेक्षवाद में धार्मिक व अन्य पक्ष एक दूसरे से पृथक पृथक माने अलग अलग हो जाते हैं तथा लोगों के चिंतन में तर्क की प्रधानता हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे धर्मनिरपेक्षवाद की प्रमुख विशेषताएं। धर्मनिरपेक्षवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो धर्मनिरपेक्षवाद की प्रमुख विषय बच्चों निम्न है, कुछ खास खास हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंस से है। पहला है धर्म के प्रभाव में कमी। पहला क्या है, धर्म के प्रभाव में कमी। भारत विभिन्न प्रकार की मान्यताओं का देश है। विभिन्न धार्मिक समुदायों ने भारतीय जनता को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया था। किंतु धर्मनिरपेक्षवाद की भावना ने समाज में धर्म के प्रभाव को कम किया है। अब इस परिवर्तित भावना के परिणाम स्वरूप समाज में धर्म का महत्व बढ़ा है। धर्मनिरपेक्षवाद एक ऐसी भावना है जिसने प्राचीन धार्मिक रूढ़ियों को प्रभावहीन बनाया है। अगली हेडिंग देखेंगे बच्चों लोग, विभिन्न शास्त्रों का महत्व क्या है। धर्मनिरपेक्षवाद से पूर्व मनुष्य के जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का ही स्थान सर्वोपरि था। धर्म के नाम पर ही व्यक्ति के आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। और तीसरी हेडिंग देख लें बच्चों, तर्क एवं विवेक की प्रधानता। अभी तक व्यक्ति धर्म की बातों को आंखें बंद करके मानता था और धर्म की बातों का जो है विरोध करना पाप माना जाता था। किंतु धर्मनिरपेक्षवाद की भावनाओं से प्रभावित होकर व्यक्ति की बौद्धिक विकासशीलता में वृद्धि हुई है। अब व्यक्ति प्रत्येक बात को सोच विचार करके ही ग्रहण करता है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षवाद की प्रक्रिया से विवेकशीलता को प्रोत्साहन मिला है और जनता में तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आया है। तो बच्चों, ये थी मुख्य मुख्य हेडिंग। अब हम लोग लास्ट हेडिंग देख लेंगे जो है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य
राज्य के रूप में। देखो इसको हम बता दें, परिभाषा आप लोग बच्चों को कर देंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, हम लोग जानते हैं भारत की प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु मानववादी समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य की कल्पना करते हैं। यानी धर्मनिरपेक्ष भारत एक क्या है बच्चों, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी यहाँ जो है सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया है कि एक धर्म को बढ़ावा, और सभी धर्मों को अपना अपना जो है अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना और उसको फैलाने की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर बच्चों 28 तक जो है धर्म निरपेक्ष यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है, यानी किसी एक धर्म को भारतीय संविधान बढ़ावा नहीं देता है, उसके निगाह में सभी धर्म क्या है बच्चों, उसके निगाह में सभी धर्म समान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसी भारतीय संविधान निगाह में सभी धर्म क्या है बच्चों, सभी धर्म समान है। ये बातें अनुच्छेद 25 में जो है 25 लेकर 28 तक जो है दी गई है। तो बच्चों ये था जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन विस्तृत उत्तरी का।